हाँ तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8, दैट इज़ इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशंस और वाइल्ड एनिमल्स, भारत की जलवायु, वनस्पति और यहाँ पे जो मोस्टली प्राणी मिलते हैं, वनों में रहने वाले जीव जंतु मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मौसम क्या है? सबसे पहले मौसम क्या है? वायुमंडल में जो डेली चेंजेस होते हैं उनका एक चेन होता है मौसम। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया में बात करें तो चार मौसम आप देख सकते हो, गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद ऋतु। गर्मी को पता होगा, मार्च से मई तक का मौसम गर्मी, दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम सर्दी वाला, जून से सितंबर तक जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो आपके वर्षा ऋतु वाला, और अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटता है शरद ऋतु कहलाएगी। ठीक है, चार मौसम मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। हम बात करें सबसे पहला मौसम शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तापमान जो उत्तरी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणें लगातार सीधे पड़ती हैं और इसकी वजह से हम वहाँ पे जो स्थानीय पवनें होती हैं, गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं जिन्हें लू कहते हैं। लू को स्पेसिफिक इंडिया में मोस्टली जो भारतीय हमारा थार का रेगिस्तान है वहाँ पे चलने वाली गर्म पवनों को लू कहा जाता है, किसी दूसरी जगह चलने वाली पवनों को अलग नाम से भी जाना जा सकता है। अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वर्षा का मौसम की, तो उसमें क्या होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यानी कि समुद्र से स्थल की ओर आपकी पवने बहेंगी। तो समुद्र से जो पवने आएंगी वो कैसी होंगी, आर्द्र होंगी, आर्द्रता लेके आएंगी, और जैसे ही वो हमारे उत्तरी पूर्वी जो हिमालय के आसपास या फिर कहीं भी उन्हें पहाड़ी श्रृंखला मिलती है वहाँ से टकरा के वो वर्षा करती हैं। तो भारत में ज़्यादातर वर्षा जो देखने को मिलेगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलेगी। मानसून लौट के आता है तो वर्षा करने के बाद में जैसे आर्द्रता खत्म हो जाएगी तब पवने चलेंगी आपके स्थल से समुद्र की ओर, तो वो वापस आते टाइम पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है आपके तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के आसपास की जगहों पर। तो ये लौटने का समय और जलवायु, और जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर अनेक वर्षों में मापा गया जो मौसम होता है उसकी औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, मौसम क्या कहते हैं, डेली जो चेंजेस होता है क्लाइमेट में उसे हम पर्यावरण में जो डेली तापमान बढ़ता है घटता है उसे मौसम कहते हैं, लेकिन किसी मौसम की औसत दशा को देखें अगर वर्ष के अकॉर्डिंग तो उसे जलवायु कहेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है और मानसून पर डिपेंड करती है, और यहाँ अरबी भाषा के मौसम से इसका वर्ड लिया गया है जिसका मीनिंग होता है वो मौसम ही होता है। ठीक है, अब भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने की वजह से, उष्णकटिबंध कहाँ होता है, वो होता है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी आपके पड़ेगा, जो स्थान विशेष पड़ेगा वो आपके उष्णकटिबंध होगा, वहाँ पे आपके अमेजन वर्षा बन मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही मिलती है, इसलिए उष्णकटिबंध में आपके सर्वाधिक जैव विविधता वाले वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करें किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचा पर निर्भर करती है, इन चीज़ों पर निर्भर करेगी स्थिति का, समुद्र तल से दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अब जैसे इन्हीं की वजह से हर जगह पर विविधताओं में आपको मौसम देखने को मिलेगा, जलवायु अलग अलग देखने को मिलेगी, पहाड़ पे आपके अलग जलवायु मिलेगी और मैदानी इलाकों पे अलग मिलेगी, पर्वतीय जगहों पे अलग मिलेगी, मरुस्थल में आपको अलग देखने को मिलेगी। तटीय क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पे वर्ष भर मौसम में वो सेम रहता है, तो मौसम सेम रहता है तो इसीलिए वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें वार्षिक बलें हैं ना, वार्षिक बलें बनती हैं जो कि गर्मी वाली बनती है, एक सर्दी वाली बनती है, अगर आपने आपकी बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो वो वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती है। तो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वार्षिक बलें कहाँ मिलेंगी, जहाँ पे मौसम विविधताओं में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें समुद्र तट पर होने के कारण से ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं जो कि समुद्र के आसपास इलाके होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान की जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है।
राजस्थान की जैसलमेर में आपके सम स्थान है, वहाँ पे बिल्कुल भी नगण्य मात्रा में वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति ऐसी होती है जहाँ पे किसी भी टाइप का आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के वहाँ पे ग्रो करती हैं। टोटली डिपेंड ऑन नेचर, जैसे आपकी झाड़ियाँ हैं, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब जलवायु, हमारे भारत में जलवायु की विभिन्नता है। अब आपके जो प्लांट मिलेंगे उन्हीं विविधताओं पर डिपेंड है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन आप कैटेगरी, आप पांच कैटेगरी देख सकते हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन और आपके कटीली झाड़ियाँ। ठीक, तो ये जो प्लांट में जो विविधताएं मिल रही हैं, वनस्पतियों में विविधताएं किस पे डिपेंड है? जलवायु अलग होने पे डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो ये उष्ण कटिबंधीय जो अक्षांश है वहाँ पे मिलेगी, और वर्षावन है यानी कि वहाँ पे इतनी अधिक सघनता होती है इनकी कैनोपी, जो प्लांट कैनोपी होती है, कि बिल्कुल भी जो सूर्य की रोशनी है ना वो नीचे तक, धरती तक, स्थल तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस स्थल पे वहाँ पे ऐसे प्लांट पैदा होंगे जो छाया प्रिय, यानी कि जो छाया में उग सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सनलाइट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अब इनका कोई मौसम नहीं होता है, ये अलग अलग मौसम में अपने जो पत्तियाँ हैं वो निकालते रहते हैं, इसीलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब जैसे ये आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, तो यहाँ पे किसी टाइम पे ये पत्तियाँ निकालेगा तो उस टाइम पे ये हरा भरा रहेगा, अगर ये निकालेगा तो ये हरा भरा रहेगा। तो अलग अलग विविधताओं की वजह से हमेशा हरा भरा दिखता है। ठीक है, इसीलिए ना सदाबहार वन कहते हैं। अब ये मिलती कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जैसे इंडिया है आपका, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो अरब सागर में आपके कौन मिलता है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि हिमालय की जो श्रृंखला है वहाँ पे मिलेंगे। और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट की सकरी घाटियों में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष हैं, जैसे महोगनी मैन है, महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं। ठीक है, हम बात करें पतझड़ वनों की, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये इन्हें बोलते हैं आप मानसूनी वन, क्योंकि इस जैसे ही एक स्पेसिफिक मौसम में, एक विशेष मौसम में सारे ही पादप हैं अपने पत्तियां तोड़ देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। तो इसीलिए ने पतझड़ आने पे सारी पत्तियां निकाल देंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी हरियाली दिखाई नहीं देगी। यही डिफरेंस है सदाबहार और पतझड़ वन में। ठीक है, सदाबहार में वन में भी पत्तियां निकल रही थी लेकिन पूरे एरिया की नहीं निकल रही थी, अलग अलग एरिया वाइज वहाँ पे पत्तियों का विधान हो रहा था। अब इनमें बात करें प्लांट की, वनस्पतियों की, तो इसमें पेड़ मिलते हैं सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये मैंने मिलेंगे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां हैं और ये झाड़ियां आपके ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, यू कांट बियर दैट टेम्परेचर, मोस्टली स्पेसिफिक इन एरियाज लाइक डेजर्ट एरियाज। तो वहाँ पे आपके ऐसी पत्तियाँ मिलेंगी, ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनमें पत्तियाँ हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कैक्टस, बबूल, कीकर, ये आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती हैं। अब हम बात करें पर्वतीय वनस्पति की, तो समुद्र तल से 1,500 मीटर से 2,500 मीटर की ऊंचाई तक ये वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, और इसमें शंक्वाकार वृक्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके शंक्वाकार वृक्ष इस तरह से देखने को मिलेंगे। देखिए ये इस तरह से वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें मैंने अब दिखाए हैं वृक्ष चीड़, पाइन और देवदार। मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन ऐसी जगह पे मिलेंगे जो अल्पाइन एरिया है, यानी कि दलदली वाले एरिया पे, जहाँ पे पानी लवणीय मात्रा में मिल रहा है, यानी कि लवणीय है, पानी खारा है, वहाँ पे मिलते हैं। अब इनके कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं, जैसे इनमें आपके लवणता को सहन करने की क्षमता होती है, साथ में इनमें जो मूल होती है वो कैसी होती है, वो
नेगेटिव जियोट्रोपिज्म वाली होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। क्योंकि लबड़ी भूमि होने से वहाँ पे जो जल में ऑक्सीजन है वो बिल्कुल नहीं मिलती, इसीलिए वहाँ पे रूट को ऊपर आना पड़ता है। दूसरा है इनमें विविपेरिस जर्मिनेशन पाया जाता है, यानी कि सजीव प्रचकता अंकुरण, यानी कि इसमें जो शिशु प्लांट हैं वो अपने मातृ प्लांट पे ही वहाँ पे अंकुरित और बड़े होते हैं, अंकुरित होते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो बीज है वो दलदल में पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए वो अपने मातृ प्लांट पे ही अंकुरित हो जाता है। इसे अगर दूसरे बायोलॉजिकल टर्म में बोलें तो इसे इंसिटु जर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मिलते हैं आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरवनों में, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में मिलते हैं, और यहाँ पे सुंदरी वन की जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा दिखाई देता है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपको अज्ञात नहीं है क्यों है आवश्यकता, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिट देते हैं मोस्टली, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, हमारे द्वारा दी जाने वाली CO2 को वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको याद होना चाहिए प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस टाइम पे वो CO2 का यूज करते हैं। हमें कई इनडायरेक्टली बेनिफिट हैं, जैसे ईंधन लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, खून इत्यादि मिलते हैं। कई जो वाइल्ड स्पीसीज हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में मेन करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल करवाती हैं हमारे लिए, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट बेनिफिशरी होती हैं, वो भी उनके लिए भी वन्य हमारे निवास प्रदान करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम वन महोत्सव बनाते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। साथ में ये बायोएथिक्स होनी चाहिए कि हम सस्टेनेबल रूप में डेवलपमेंट करना चाहिए। अंधाधुंध कटाई हो रही है इस टाइम पे, तो लेकिन अब जो डेवलपमेंट चल रहा है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें डेवलपमेंट उस वे में करना है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है वो भी हमारी तरह ही सारे प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप में यूज कर पाए, ठीक है। वन्य प्राणियों की बात करें तो कई सारे स्पीसीज मिलती हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर मिलते हैं, तो अफ्रीका और एशियाई ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पे आपको बाघ, शेर, हाथी ऐसे जीव देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक सिंह वाला गैंडा असम के जंगलों में घूमता है, हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं, केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में आपको हाथी देखने को मिलते हैं, ऊँट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधाएं वो कच्छ के रण में मिलते हैं, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अन्य जो जानवर हैं वो भी हमारे देश में पाए जाते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए। इंसिटु कंजर्वेशन होता है नेचुरल वे में कंजर्वेशन करना, जहाँ पे वाइल्ड वे में यानी कि नेचर में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है वहाँ पे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, बायो रिजर्व स्पीयर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉट स्पॉट है। एक्सिटु कंजर्वेशन में जो स्पीसीज एक्सटेंट होने वाली हैं, दुर्लभ होने वाली हैं, उन स्पीसीज की जीन्स को, DNA को कंजर्व करके उन्हें दुर्लभ होने से बचाया जाता है। तो एक्सिटु में आपके बॉटनिकल गार्डन है, जीन बैंक हैं, क्रायो रिजर्व बैंक हैं, वो वहाँ पे यूज आते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ बताया गया है, अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, तो वन्यजीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो इट विल बी ऑल अबाउट अवर क्लाइमेट, अवर वेजिटेशन, कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं, जलवायु, मौसम। तो प्रवासी पक्षी हैं जो कि हर बार अपने किसी ऐसी जगह से आते हैं प्रवास करके जहाँ पे उनके लिए कंडीशन इनफेवरेबल हो जाती हैं, तो उन इनफेवरेबल कंडीशंस में हमारे यहाँ उन्हें कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। अब इसके अभ्यास के बारे में बात करें तो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून होती है वो वर्षा लाती है। भारत के विभिन्न मौसम के नाम लिखें तो चार मौसम हमने पढ़े थे, वर्षा, गर्मी, शरद और मानसून। प्राकृतिक वनस्पति क्या है जो कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली ही पैदा होती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए, तो पाँच टाइप की वनस्पति हमने देखी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, पर्वतीय मैंग्रोव और आपके मरुस्थल में पाई जाने वाली कटीली झाड़ियाँ।
सदाबहार वन पतझड़ वन में अंतर क्या है? सदाबहार वन में सारे जो प्लांट हैं वो वहाँ पे अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, कोई एक एरिया वहाँ पे किस में जाता है अपनी पत्तियों को गिराएगा, इसीलिए वो सदा हमेशा आपको हरा भरा दिखाई देगा। जबकि पतझड़ में सारे प्लांट एक पूरे एरिया के जो प्लांट हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए वो पतझड़ वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे वर्ष भर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में हो सकते हैं। महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जंगली बकरी और हिम तेंदुए मिलते हैं हमारे क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ से बहती हैं? तो मैंने बताया था समुद्र से स्थल की ओर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आपके उत्तर पूर्व की दिशा में जाती हैं। गर्मी में दिन के समय शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन से मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? तो ये आपके नवंबर और दिसंबर के टाइम का होता है, यानी कि मानसून लौट रहा होता है उस टाइम पर वर्षा होती है। गुजरात की गिर वन है वो एशियाई शेरों का निवास है। मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ आपकी कई सारी हैं, राइजोफोरा है, एब्सिनिया है, को मानसूनी वन भी कहा जाता है। आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये आपके होल ज्योग्राफी मैंने क्लास 6 की करवाई है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।